खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। महाराष्ट्र में कौन बनेगा मुख्यमंत्री के सस्पेंस के बीच शिवसेना के संजय राउत बोले उद्धव मुख्यमंत्री बनने को तैयार। पहले एकनाथ शिंदे ने कहा था कि उद्धव तय करेंगे मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र में सरकार को लेकर शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी में कल बैठक हुई। बैठक के बाद परिवार ने उद्धव के सीएम बनने पर सहमति जताई। सीएम पद के लिए कांग्रेस और एनसीपी की पसंद उद्धव ठाकरे हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उद्धव खुद सीएम नहीं बनना चाहते। हालांकि आखिरी फैसला उन्हें ही लेना है। मुंबई के नेहरू सेंटर में कल शाम हुई तीनों दलों की बैठक। आज तीनों दल ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव जानकारी। मीटिंग के दौरान शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के नाम का प्रस्ताव रखा। तीनों पार्टी के नेताओं ने ताली बजाकर उद्धव का अभिनंदन किया। एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने एबीपी न्यूज से कहा उद्धव के नाम पर सहमति बनी हुई है, अब शिवसेना पर निर्भर है कि वो क्या करती है। आज महाराष्ट्र में सरकार का दावा पेश कर सकती है शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपना दिल्ली दौरा रद्द किया। शिवसेना के सभी विधायकों को मुंबई के ललित होटल में ठहराया गया है। देर रात विधायक दल के नेता एकनाथ शिंदे विधायकों से मिलने के लिए पहुंचे। कल मीटिंग के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने कहा कि मीटिंग में कोई निष्कर्ष नहीं निकला, आज भी मीटिंग जारी रहेगी। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम समेत मंत्री पदों को लेकर कांग्रेस नेताओं ने सोनिया को दी जानकारी। पृथ्वीराज चौहान बोले कल भी बातचीत करेंगे। बैठक के बाद कांग्रेस ने अलग बैठक की। पृथ्वीराज चौहान सीएम पद के सवाल पर कुछ नहीं बोले। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले शिवसेना कांग्रेस एनसीपी की सरकार ज्यादा नहीं चलेगी क्योंकि विचारधारा अलग है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा एनसीपी शिवसेना और कांग्रेस के पास सरकार बनाने का बहुमत है, हालांकि खिचड़ी सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। मुंबई बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की। कहा निजी काम से राज्यपाल से मिलने आया था। बीएमसी में शिवसेना की मेयर किशोरी पालनेकर निर्विरोध चुनी गई, डिप्टी मेयर भी शिवसेना का। लातेहार में गश्त पर निकली पार्टी पर नक्सलियों ने बोला था हमला। आधे घंटे तक 50 से 60 राउंड फायरिंग, पुलिस के पलटवार के बाद भागे नक्सली। झारखंड में नक्सलियों ने बीजेपी प्रदेश मंत्री सुबोध सिंह की गाड़ी पर भी फायरिंग की, बाल बाल बचे मंत्री। राजनीतिक दलों के चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड पर कांग्रेस ने कल फिर संसद परिसर में प्रदर्शन किया। अगले हफ्ते संसद में एसपीजी सुरक्षा संशोधन एक्ट पेश करेगी केंद्र सरकार। अब पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवार को नहीं मिलेगी सुरक्षा। गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा घटाने के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संसद भवन तक मार्च निकाला। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय मंत्री पासवान पर आरओ वाटर कंपनियों से सांठगांठ का आरोप लगाया, मांगा इस्तीफा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का पलटवार, एबीपी न्यूज से कहा पानी पर पॉलिटिक्स ना करें केजरीवाल, दिल्ली के लोगों को साफ पानी दें। दिल्ली में बीजेपी के सभी 7 सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गंदे पानी और वायु प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार पर बोला हमला। दिल्ली में अब सीवर के नए कनेक्शन के लिए देने होंगे सिर्फ 2,310 रुपए, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट चार्ज भी बंद। जेएनयू फीस विवाद पर पटना विधानसभा में विपक्ष का प्रदर्शन, डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने छात्रों के खिलाफ दिया था बयान। पटना में बिहार विधानसभा परिसर में भी प्रदूषण की मार, पानी का छिड़काव कर प्रदूषण घटाने की कोशिश। बिहार सरकार की मंत्री बीमा भारती ने मधेपुरा एसपी पर लगाया आरोप, कहा जिले में अपराधी बेलगाम, डीजीपी से शिकायत का नहीं असर। झारखंड की राजधानी रांची में सीएम रघुवर दास ने की रैली, जेएमएम और कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों पर बोला हमला। झारखंड के लातेहार में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली, बोले 3 तलाक धारा 370 का मुद्दा बीजेपी सरकार ने सुलझाया। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव का लोहारदगा में जनसंपर्क कार्यक्रम, महागठबंधन की सरकार बनने का भरोसा जताया। झारखंड के रामगढ़ में उम्मीदवारों ने नामांकन के दौरान किया शक्ति प्रदर्शन, घंटों जाम रही शहर की सड़कें। नागरिक संशोधन विधेयक यानी एनआरसी के खिलाफ किसानों और मजदूरों ने गुवाहाटी में प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एनआरसी का समर्थन किया, कहा कानून बना तो उत्तराखंड में जरूर लागू करेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंत्री स्मृति ईरानी से गर्भवती महिलाओं के लिए डाइट चार्ट बनवाने को कहा, संसदीय क्षेत्र में बटेगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा रेलवे के निजीकरण की आशंकाएं बेबुनियाद, यात्रियों को बेहतर सेवा देने के लिए कुछ सेवाएं निजी क्षेत्र को दी गई।
राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर बीएसपी नेता रामविलास वेदांती का बयान, सीएम योगी आदित्यनाथ को ट्रस्ट का प्रमुख बनाया गया तो करेंगे समर्थन। अयोध्या में निर्मोही अखाड़ा की मांग, राम मंदिर ट्रस्ट में उन्हें भी शामिल किया जाए। अयोध्या में राम रसोई का 1 दिसंबर को होगा उद्घाटन, पूर्व आईपीएस किशोर कुणाल करेंगे संचालन। बिहार के कैमूर से आएगा खास गोविंद भोग चावल, कैमूर के मोकरी में राम रसोई को लेकर उत्साह, गोविंद भोग चावल के लिए मशहूर है मोकरी, देश विदेश में है भारी मांग। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल सरकार राम वनगमन पथ को पर्यटन स्थल बनाने की तैयारी में, बीजेपी ने बताया केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक बोले, राम जन्मभूमि मंदिर में केवट और शबरी की मूर्तियां भी हो। उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी की मुस्लिम समुदाय को सलाह, सुप्रीम कोर्ट फैसले से मिलने वाली 5 एकड़ जमीन हिंदू समुदाय को दान करें मुसलमान। इटावा में शिवपाल यादव ने मनाया बड़े भाई मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन, तस्वीर को केक खिलाकर दी बधाई, कहा नहीं बनना चाहता सीएम, जो नेताजी कहेंगे वही होगा। बरेली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 274 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी, पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर जमकर बोला हमला। हरियाणा में धान खरीद के मुद्दे पर बीजेपी और जेजेपी में मतभेद की खबरें, दुष्यंत चौटाला ने राइस मिलों पर कार्रवाई की, अनिल विज ने दी क्लीन चिट। हरियाणा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद गुरुग्राम में बीजेपी की मंथन बैठक, नेताओं ने कहा सीएम की जन आशीर्वाद यात्रा हार की बड़ी वजह। हरियाणा के दादरी में धरने पर बैठे किसानों को मुआवजा मिलेगा, जेजेपी विधायक नैना चौटाला ने दिया भरोसा, एबीपी न्यूज ने दिखाई थी खबर। पंजाब के पटियाला से कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह ने लगाया फोन टैपिंग का आरोप, आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर का तबादला। एमपी के कृषि मंत्री सचिन यादव ने शिवराज चौहान पर साधा निशाना, कहा फर्जी खाद और बीज के धंधे से किसानों को हुआ नुकसान। बिहार में चपरासी के पद के लिए एमबीए के आवेदन पर नीतीश के मंत्री का अजीबोगरीब बयान, कहा अपनी मर्जी से आवेदन कर रहे हैं युवा, समाज में परिवर्तन लाएंगे। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में पूर्व सीएम ओकराम इबोबी सिंह के घर सीबीआई का छापा, 332 करोड़ के एमडीएस घोटाले में कार्रवाई। जेएनयू फीस बढ़ोतरी विवाद पर कल छात्रों से मिलने शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी जेएनयू कैंपस पहुंचे, विरोध प्रदर्शन। जेएनयू छात्रों के समर्थन में आज आम नागरिक करेंगे प्रदर्शन, सुबह 11 बजे दिल्ली के मंडी हाउस में होगा प्रदर्शन। बीएचयू में संस्कृत विभाग में मुस्लिम प्रोफेसर की नियुक्ति के खिलाफ प्रदर्शन खत्म हुआ, छात्रों की मांग पर पुनर्विचार के लिए बीएचयू प्रशासन को 10 दिन की मोहलत दी गई। बीएचयू के संस्कृत प्रोफेसर डॉक्टर फिरोज खान के समर्थन में आया आरएसएस, कहा डॉक्टर फिरोज की नियुक्ति के खिलाफ विरोध करना गलत। अयोध्या के फैसले पर विश्व हिंदू परिषद आज करेगी सार्वजनिक आयोजन, अयोध्या में रामलला की कानूनी लड़ाई लड़ने वाले वकीलों का होगा सम्मान। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में वर्षा लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में सोने की 50 पत्तियां भक्तों ने चढ़ावे में ली। 28 नवंबर को भारत पेट्रोलियम के 22,000 कर्मचारी करेंगे हड़ताल, केंद्र सरकार के भारत पेट्रोलियम के निजीकरण के फैसले का विरोध करेंगे। पटना में सरकार बिकवा रही है 35 रुपए किलो प्याज, लंबी लाइन लगी, एक बार में सिर्फ 2 किलो मिलेगी प्याज। ओडिशा में आसमान पर प्याज के दाम, भुवनेश्वर में 80 से 85 रुपए किलो बिक रहा है प्याज। जम्मू कश्मीर के सांबा में बीएसएफ में शामिल होने के लिए लड़कियों ने टेस्ट दिया। सेना के जवानों से कहा बिना जांच के नए व्हाट्सएप ग्रुप से बिल्कुल ना जुड़े, हनी ट्रैप में फंसा रही है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई। दिल्ली में टाइट जींस पहनकर एक लॉन्ग ड्राइव पर जाना एक शख्स को पड़ा महंगा, ब्लड क्लॉटिंग के चलते अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती। यमुना एक्सप्रेस वे पर बढ़ते सड़क हादसों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार से जवाब मांगा। यूपी के अमेठी में नई पीढ़ी को पुलिसिंग से परिचित करने के लिए अनोखी पहल, कक्षा 9 की छात्रा को बनाया गया 1 दिन का इंस्पेक्टर। हरियाणा के जींद में डीएवी स्कूल के बच्चों ने लिखी पीएम मोदी को 1,00,000 चिट्ठियां, सरदार फतेह सिंह और सरदार जोरावर सिंह के पुण्य दिवस को बाल दिवस घोषित करने की मांग। एमपी के इंदौर में एक शख्स ने बाघ के पिंजरे में घुसने की कोशिश की, जू कर्मचारी की सूझबूझ से टला हादसा। उत्तराखंड के देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने हॉट एयर बैलून शो का शुभारंभ किया, उत्तराखंड में युवाओं का एडवेंचर स्पोर्ट्स की ओर रुझान बढ़ाने की पहल। दक्षिण दिल्ली में एक डीटीसी बस में अचानक आग लगी, सभी 32 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बिहार के पूर्णिया में चलती बस में लगी आग, सभी यात्री सुरक्षित। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगी, लोगों में मची हड़कंप।
बिहार के मोतिहारी में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की भर्ती में गड़बड़ी, अंकों की हेर फेर कर अयोग्य कैंडिडेट को नौकरी दी, खुलासे के बाद हंगामा। टीम इंडिया के पहले डे नाइट टेस्ट में बांग्लादेश का बुरा हाल, पहले ही दिन 106 रन पर ढेर हुई बांग्लादेश, ईशांत शर्मा ने झटके 5 विकेट। बांग्लादेश के 106 रनों के जवाब में भारत ने चीन 3 विकेट खोकर बनाए 174 रन, टीम इंडिया की बांग्लादेश पर 68 रनों की बढ़त। बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने कप्तान कोहली, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान पॉन्टिंग को पछाड़ा। ईडन गार्डन्स में लगा सितारों का मेला, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, ममता बनर्जी, सानिया मिर्जा, सचिन, सौरव, सुनील गावस्कर बने पहले डे नाइट टेस्ट का हिस्सा। भारत बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे डे नाइट टेस्ट के पहले दिन मैदान के बाहर दिखा खूबसूरत गुलाबी नजारा, रंग गुलाबी रंगों में जगमगाता दिखा ईडन गार्डन्स। ऑस्ट्रेलिया पाक के बीच खेले जा रहे टेस्ट सीरीज के पहले मैच में पाक के 240 रनों के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट पर बनाए 312 रन, पहली पारी में पाक पर बनाई 72 रनों की बढ़त। इंग्लैंड न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में मुश्किल में न्यूजीलैंड 144 पर गवाए 4 विकेट। कोलकाता में चल रहे टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में भारतीय स्टार विश्वनाथन आनंद की जीत, टूर्नामेंट के पहले दिन अमेरिका के वेस्ले सो को हराया। दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के लोकपाल को आदेश का करना होगा पालन, DDC अध्यक्ष बने रहेंगे रजत शर्मा।